हेलो एवरीवन वेलकम टू सुमित ट्यूटोरियल तो आज की जो टॉपिक है रूट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से इन मेजोरिटी ऑफ़ द डाइकोटाइलिडनस प्लांट द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इन साइड द सॉयल तो ज़्यादातर डाइकोटाइलिडनस प्लांट में जो रूट की फॉर्मेशन होती है डाइकोटाइलिडनस प्लांट में जो रेडिकल्स होते हैं रेडिकल की डायरेक्ट इलॉन्गेशन के थ्रू फॉर्मेशन होती है प्राइमरी रूट की रेडिकल्स ग्रो करेगी रेडिकल्स में डायरेक्ट इलोंगेशन होती है तो फॉर्म होती है प्राइमरी रूट ओके एंड ये ग्रो कहाँ करती है इन साइड के अंदर इट्स एंड कहते हैं प्राइमरी रूट होती है प्राइमरी रूट के बाद सेकेंडरी रूट एंड टोर्सरी रूट होती है दी प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांच कंस्टिट्यूट दिस्टम एस इन दस्टर्ड प्लांट तो जो टैप सिस्टम होती है इनकी फॉर्मेशन होती है प्राइमरी रूट एंड इनकी जो ब्रांच होती है वो फॉर्म करती है टैपरोट सिस्टम को ये टैपरोट सिस्टम जो टैप रूट है वो किस प्लांट में देखने को मिलते हैं मस्टर्ड प्लांट मस्टर्ड प्लांट में टैपरूट अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी तो मस्टर्ड प्लांट जो होती है वो डाइकोटाई प्लांट की एग्जाम्पल है तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये रूट है टैपरूट किस में होती है मस्टर्ड प्लांट में आप देख देखोगे टैप टैपरूट अरेंजमेंट जो होती है वो मस्टर्ड प्लांट में होती है डाइकोट लिडनस प्लांट नेक्स्ट पॉइंट इन मोनोकोटाइल लिडनस प्लांट द प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट लिव एंड इज रिप्लेस बाय द लार्ज नंबर ऑफ़ रूट तो मोनोकोटाइल लिडनस प्लांट में जो प्राइमरी रूट होती है वो कम टाइम के लिए होती है उनके जगह पर क्या होती है लार्ज नंबर ऑफ़ रूट की फॉर्मेशन होती है तो प्राइमरी रूट जो होती है शॉर्ट लिव होती है उनके जगह पे लार्ज नंबर ऑफ़ रूट की फॉर्मेशन हो जाती है मोनोकोटाइल लिडनस प्लांट में बट डाइकोटाइल लिडनस प्लांट में ऐसा नहीं होता है ओके दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ दम एंड कंस्टिट्यूट द फाइबर सिस्टम एस एन इन दिट प्लान तो जो ये रूट होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं अस्टेम के बेस बेस से औरिजिनेट होती हैं उनकी फॉर्मेशन जो होती है रूट की वो कहाँ से डेवलप होते हैं जो स्टेम की बेस होती है स्टेम की जो सरफेस होती है लोअर सरफेस वहाँ से क्या होते हैं ये रू रूट ओरिजिनेट होते हैं इन्हें फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं इनकी एग्जाम्पल है वीट प्लांट अब आप ये जो फिगर आप देख रहे हो ये फाइब्रस रूट है तो ये फाइब्रस रूट किस में होती है वीट प्लांट में आपको देखने को मिलेगी फाइब्रस रूट अरेंजमेंट इस टाइप की तो ये मोनोकोटाइलस प्लांट है Next point in some plant like grasses, monstera, and banyan tree.

रेडिकल से भी एंड प्लांट के अदर पार्ट से भी मैं मतलब कि स्टेम से स्टेम प्लांट की जो स्टेम होती है वहां से भी ये जो रूट है वो निक, निकलती हैं एंड रेडिकल से भी इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उन्हें एडवेंटिटियस रूट कहते हैं एडवेंटिटियस रूट किसमें होती है मॉन्स्टेरा बनियान ट्री एंड ग्रासेस में ये अरेंजमेंट देखने को मिलती है तो आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये एडवेंटिटियस रूट की फिगर है तो आप देख रहे हो कि जो ये रूट है इनके स्टेम से भी निकल रही हैं बहुत सारी रूट हैं एंड ये रेडिकल से भी निकलती हैं तो ये एडवेंटिटियस रूट में ही ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिलती है एडवेंटिटियस रूट आप किस प्लांट में देख सकते हो मॉन्स्टेरा बनान ट्री एंड ग्रासेस में आप ये अरेंजमेंट देख सकते हो कि ये जो इनकी उनमें आप देखोगे कि उनकी जो रूट होती है वो स्टेम से भी बहुत सारी रूट निक निकली हुई होती है एंड रेडिकल से भी ग्रो करती है तो ये जो अरेंजमेंट है वो एडवेंटिटियस रूट में देखने को मिलती है तो आप इस प्लांट में ही देख सकते हैं ियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो जो रूट सिस्टम होती है उनकी मेन फंक्शन uh, क्या होती है वाटर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्बन करते हैं एंड प्रोवाइडिंग करते हैं इंक्रेज प्लांट को एनक्रेज प्रोवाइड करते हैं जो प्लांट जो रूट स्टेम में सॉरी जो सॉइल में जो प्लांट खड़ी हुई होती है तो वो किसकी वजह से वो रूट की वजह से ही क्या होते हैं वो खड़े हुए होते हैं नहीं तो वो कब का गिर गए होते हैं तो उसकी वजह से रूट ही उन्हें क्या करती है इंक्रेज प्रोवाइड करती है सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड uh, जो वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्बशन होती है तो आपको पता होगा कि जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं प्लांट में तो जाइलम क्या करती हैं वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्बन में हेल्प करती है वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम के थ्रू प्लांट में क्या होती है वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन होती है जाइलम के थ्रू तो ये रूट ही क्या करती है वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करती है जो हम प्लांट में प्लांट में जो हम वाटर डालते हैं तो वाटर क्या करती है सोइल उसे एब्जॉर्ब करती है एंड जो रूट होती है उन्हें क्या करती है एब्जॉर्ब करके जो जाइलम होते हैं उन्हें पूरे प्लांट के पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है ऐसे ही चलती है एंड एनक्रेज प्रोवाइड करती है फूड मटेरियल को क्या करते हैं स्टोर करती है रूट जो होती है एंड सिंथीसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो आप ये फिगर देख रहे हैं पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट तो आप इसमें देख रहे हो कि ये क्या है फ्लावर है ये फ्रूट स्टेम लीफ नोड इंटर नोड बर्ड प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट इसे रूट सिस्टम कहते हैं प्राइमरी रूट होती है इसके बाद सेकेंडरी रूट डेवलप होती हैं तो इन्हें रूट सिस्टम कहते हैं एंड इन पूरे पार्ट को क्या कहते हैं सूट सिस्टम तो रूट सिस्टम एंड सूट सिस्टम होती हैं प्लांट में तो आई होप गाइस की आपको ये पॉइंट आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आ गई होगी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो ये जो पॉइंट है फाइब्रस रूट सिस्टम तो फाइब्रस जो सिस्टम जो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती है प्लांट के किस पार्ट से ओरिजिनेट होती है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टार मार्क लगी हुई है एंड ये एडवेंटिटियस रूट जो है एडवेंटिटियस रूट किसके एग्जाम्पल है मॉन्सटेरा बनियान ट्री एंड ग्रासेस के एग्जाम्पल है जो कि रेडिकल एंड अदर पार्ट से भी ग्रो करते हैं इनकी जो रूट होते हैं तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है एंड जो जो रूट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट को तो वो प्रॉपर इनक्रेज प्रोवाइड करते हैं एंड मिनरल एंड वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है फूड स्टोरेज में हेल्प करती है तो ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है ओके okay गाइज तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी तो अगर आप चाहते हो कि एलेवेंथ ट्वेल्थ एंड बी एस सी लेवल की वीडियो लेक्चर एंड ट्रिप्स एंड ट्रिक एंड मोटिवेशनल वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन को क्लिक करें लाइक करें शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग